जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि सबसे जल्दी कोई देव रिझते हैं, प्रसन्न होते हैं, बिना सोचे समझे यदि अपने भक्तों को कोई देव वरदान देते हैं, तो वो एकमात्र देव हैं भोलेनाथ, शिव जी। यदि कोई व्यक्ति इनको प्रसन्न करने का प्रयास करता है, तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को बहुत जल्द वो जितना मांगता है, जितना चाहता है, उससे अधिक वर देते हैं। भोलेनाथ तो ऐसे देव हैं जो दानवों पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं, तो हम तो फिर भी मानव हैं। तो यदि हम भोलेनाथ के लिए कोई विशेष प्रयोजन कर देते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए या हमारी दुख तकलीफ़ को दूर करने के लिए यदि थोड़ा भी कुछ पूजा पाठ वगैरह कर देते हैं, तो वो बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति की जो कोई भी तकलीफ़ होती है, उस तकलीफ़ को हर लेते हैं, उस संकट में से उसको बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, मानव जीवन में कई दफ़े ऐसे समय आ जाते हैं, ऐसी संजोग, ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो जाती हैं, ऐसी संकट की घड़ी में वो आ जाता है कि उसको कहीं ना कहीं से बहुत अधिक धन की मात्रा में आवश्यकता हो जाती है, पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। और ऐसे समय पे जब वो यहाँ वहाँ सभी जगह नज़र दौड़ाता है, तो उसके आसपास कोई व्यक्ति उसको ऐसा नहीं दिखता कि जो उसकी इतनी बड़ी मदद कर सके। तो ऐसे समय पे उसको अलौकिक शक्तियों का, पारलौकिक शक्तियों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वही वह शक्ति है जो आपको बड़ी से बड़ी मदद दिला सकती है। ऐसे समय पर यदि आप भोलेनाथ का उपाय करते हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई भी व्यक्ति आएगा या किसी भी माध्यम से आपकी ज़रूरत पूरी करके जाएगा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में छुपे हुए कई ऐसे गूढ़ रहस्य हैं, जिनके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तंत्र मंत्र, टोने टोटके के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, अंक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्रत त्यौहार, पूजा विधि के बारे में भी समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी इस तरह की जानकारी में रुचि रखते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह की जानकारी इसी चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ यह उपाय कि जिसको कोई भी मनुष्य बड़ी ही आसानी से कर सकता है, और अपना जो कोई भी ड्रीम है या अपनी जो कोई भी समस्या है, उसमें से बहुत ही आसानी से बाहर आ सकता है, क्योंकि भोलेनाथ वह देव हैं जो अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। तो यह उपाय व्यक्ति किसी भी सोमवार के दिन कर सकता है, लेकिन क्योंकि अभी सावन चल रहा है, पवित्र सावन मास है, शिव जी का प्यारा मास है, यदि इसमें यह उपाय किया जाता है, तो इसका अति विशेष फल आपको प्रदान मिले होगा। व्यक्ति को करना क्या है, सवेरे के समय सोमवार के दिन, वैसे ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे उपाय को आप यदि सवेरे सवेरे करते हैं सूर्योदय के समय, तो उसकी बात ही कुछ अलग हो जाती है। तो आपको 108 बिलीपत्र लेने हैं और थोड़ा सा घी लेना है। किसी भी शिवालय में जा कर के आपको, देखिए ये जो बिलीपत्र है, इसको चंदन में डुबो के यदि आप शिव जी को चढ़ाते हैं, तो इसका अलग महत्व है। दही में, हर चीज़ में जैसे जैसे आप बिली को चढ़ाते हैं, उसका अलग अलग महत्व होता है। घी जो है वो धन प्रदाता है, तो यदि किसी को पैसों की आवश्यकता है, तो इसको आप घी में डुबोएं, इसको आप घी में डुबोएं और ओम नमः शिवाय कहते हुए 108 बिली, हर बिली को आपको घी में डुबोना है और शिव जी को अर्पित कर दें, शिवलिंग पर आप चढ़ा दें। और फिर जो कोई भी आपकी इच्छा है, जितना भी यदि आपको पैसा चाहिए, तो जितनी भी आवश्यकता है, जिस काम के लिए चाहिए, आप शिव जी से प्रार्थना करें, देखिएगा बहुत जल्द कहीं ना कहीं से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि आपका जो कोई भी काम था, बहुत ही आसानी से और हंसते हंसते निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश, और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।